दोस्तों, अगर आपके पास रियलमी का C11 स्मार्टफोन है और उसमें आपको इंटरनल स्टोरेज की प्रॉब्लम आ रही है, तो उस प्रॉब्लम को आप कैसे सही करेंगे, आज की इस वीडियो में फिक्स करके आपको दिखाऊंगा 100% आपके सामने विद प्रूफ लाइव। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और यहाँ पे बताऊंगा आप किस तरीके से अपने रियलमी के C11 स्मार्टफोन में इंटरनल स्टोरेज की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे एक मिनट के अंदर। तो चलिए चलते हैं, बताते हैं। सबसे पहले आपको इस वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब चैनल को कर देना होगा और सिंपल से आपको एक काम करना है, आपको अपने इस तरीके से जहाँ पे फोल्डर होते हैं बहुत सारे, मेन्यू होता है जो ऐप का, उसमें आपको इस तरीके से देख लेना है फाइल मैनेजर। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये फाइल मैनेजर है इस तरीके से, ये देखो। तो इसी पे हमने टैप किया, जैसे आप इस पर टैप करेंगे आपको ऊपर की तरफ मिलेगा फोन स्टोरेज। ठीक है, इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे अब यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा ऐप्स का, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये देखो रहा ऐप्स का, इस पर आप टैप करेंगे। जैसे इस पर आप टैप करेंगे यहाँ पे आपको कुछ टाइम वेट करना है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ, ये लोडिंग हो रहा है, लोडिंग कंप्लीट होने देना है आपको, यहाँ कुछ भी नहीं करना है अभी। ठीक है, तो लोडिंग होने के बाद इसे आप ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप एक बार नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे थोड़ा रुकना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जितने भी ऐप्स होते हैं उनका आपको क्लियर कैच करना है, क्लियर डाटा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, यहाँ क्लियर कैच करेंगे इस तरीके से। ठीक है, अब आपके इंटरनल स्टोरेज की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। इस तरीके से आपको सभी का कर देना होगा, ये आप देख सकते हैं मैं कर रहा हूँ। इस क्लियर डाटा किसी का भी नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको फिर से लॉगिन होना होगा, क्लियर कैच करना है नीचे वाला। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, आप इस तरीके से करेंगे आपकी इंटरनल प्रॉब्लम वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, दूसरा तरीका मैं आपको बताऊंगा, आपको अपने गैलरी में जाना है, जैसे मैं गैलरी में आ चुका हूँ, गैलरी में जाके यहाँ पे आपको ऊपर एल्बम मिलेगी, एल्बम पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको एक काम करना है, इसे आप ऊपर यहाँ पर ऊपर करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि एक ऑप्शन है रिसेंटली डिलीटेड, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जो भी फ़ोटो आपको नहीं चाहिए, वीडियो वगैरह यहाँ पे रिसेंट में आपने डिलीट की होंगी, उसे परमानेंट आपको यहाँ से डिलीट कर देना होगा। ठीक है, परमानेंट डिलीट कैसे करेंगे, उस पर लॉन्ग प्रेस करेंगे और या परमानेंट डिलीट इसे कर देंगे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। और आप अपने फ़ोन के अंदर फालतू के एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर दीजिए। ठीक है, अनइंस्टॉल करेंगे तो काफ़ी हद तक आपकी इंटरनल स्टोरेज सही हो जाएगी, बेस्ट हो जाएगी। ठीक है, फिलहाल मैं इस वीडियो में लेता हूँ विदा, आपका कोई भी सुझाव हो तो नीचे कमेंट में छोड़ के जरूर जाइए। जय हिंद, वंदे मातरम।